बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CCNP राउट के लेक्चर नंबर 26 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा लेक्चर 26, हम अपनी BGP की उसी डिस्कशन को जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ी थी उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज हम BGP के मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे कि BGP का मैट्रिक इटसेल्फ वो है क्या। बट बिफोर दैट, लास्ट टाइम आपके लिए तो ये आपका लेक्चर दूसरा एक अलग सेपरेट लेक्चर है, बट मेरे लिए मैं एक ही सीक्वेंस में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक सीक्वेंस में बैठते हो रिकॉर्ड करते हो तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपके माइंड में होती हैं जो आप बता सकते हो, बताना चाहते हो। अगर मैं इसको अभी छोड़ दूं और फिर कम बैक टू इट्स एट अ लेटर स्टेज, तो फिर वो आपकी वो कंटिन्यूटी जो है वो टूट जाती है और वो फिर उसमें वो फ्लो नहीं रहता, वो मजा नहीं रहता। तो फॉर मी इट्स रियली अ कंटिन्यूस वन लेंथी लेक्चर रियली। बट तो हमारे पास कस्टमर ए था जिसके हम राउट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे टू बोथ ऑफ द ISPs। सो इफ वी गो बैक टू द डायग्राम, राउटर थ्री जो है कस्टमर ए का राउटर, ये ISP1 और ISP2 को ये 100.1.1.0 अपना पब्लिक सबनेट रेंज एडवर्टाइज कर रहा है। और ये पब्लिक सबनेट जो है फिर आगे ये ऑटोनोमस सिस्टम ISP1 और ISP2 ये आगे अपने पीयर ISPs को एडवर्टाइज करेंगे और वो पीयर ISPs अपने पीयर ISPs को एडवर्टाइज करेंगे। एंड इस तरह से ये पूरे इंटरनेट पे आपका सबनेट जो है वो एडवर्टाइज हो जाएगा। अब यहां पे फ्रॉम ISP2 परस्पेक्टिव, इफ आई सी शो IP राउट BGP, तो वी कैन सी हमें वो राउट तो रिसीव हो रहा है। बट इफ यू लुक ऑन BGP टेबल, यहां पे हमें कुछ चीजें नजर आएंगी। विल सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन कि दिस इज अ वैलिड राउट एंड इट्स अ बेस्ट राउट एज वेल। जो नेटवर्क प्रीफिक्स इटसेल्फ है, देन द नेक्स्ट हॉप कि अगर मैंने ISP2 के इस राउटर ने इस नेटवर्क को ट्रैफिक भेजनी हो तो मैं नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस किसको यूज करूंगा। सो व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट हॉप टू रीच दिस नेटवर्क। अब यहां पे आप एक चीज देखें कि क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क से नहीं आ रहा, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लूप बैक IP यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो जब ये राउट एडवर्टाइज होता है, सो लेट्स गेट माई ड्राइंग बोर्ड, अब यहां पे ये है कस्टमर का राउटर थ्री ISP1 ISP2। जब मैंने ये राउट एडवर्टाइज किया टू ISP1, मैंने ISP1 को बताया कि भाई इस राउट के लिए 100.1.1.1 यूज मी एज अ नेक्स्ट हॉप। अब मी का क्या मतलब है, इसने सोर्स IP क्या भेजा था, तो हमने BGP कॉन्फ़िगरेशन में सोर्स अपडेट सोर्स की क्या कमांड दी थी, लूप बैक जीरो। और लूप बैक जीरो का IP एड्रेस क्या है, 3.3.3.3। इसलिए ISP1 इज सेइंग कि टू रीच 100.1.1.0 मेरा नेक्स्ट हॉप है 3.3.3.3, क्योंकि 3.3.3.3 ने मुझे बताया है कि अगर तुमने इस सबनेट तक जाना है तो सेंड द ट्रैफिक टू मी। बट अब यहां पे देयर इज अनदर स्टेप जो कि इस राउटर को करना पड़ेगा। लेट मी शो यू कि सेफ टेबल क्या कह रहा है। इफ आई सी शो IP सेफ टू दिस सबनेट, सेफ कह रहा है कि अगर आपने ISP2 के इस राउटर ने
इस नेटवर्क तक जाना है तो सेंड इट टू नेक्स्ट हॉप 32.1.1.3। तो एक्चुअली यहां पे देयर इज एन डबल राउट लुकअप हो रहा है। पहला राउट लुकअप हो रहा है ना बीजीपी टेबल, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें बीजीपी टेबल से उसका नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस चाहिए, और फिर हमें नेक्स्ट हॉप के लिए अलहदा से राउट लुकअप करना पड़ेगा टू सी के नेक्स्ट हॉप की तरफ कैसे जाना है, उसका नेक्स्ट नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, नेक्स्ट हॉप कहां, मैंने एक्चुअल किस फिजिकल इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर निकालनी है। तो इट्स सेइंग स्टैटिक और सेंड इट टू दिस गाय। सो एक्चुअली यहां पे आई एम सेइंग कि टू सेंड द ट्रैफिक टू 100.1.1.0 सेंड इट टू 3.3.3.3, बट टू सेंड द ट्रैफिक टू 3.3.3.3 सेंड इट टू 32.1.1.3। सो जब राउटर ट्रैफिक सेंड करेगा टू 100.1.1.0 को, ये सेंड करेगा फिजिकली इसके ऊपर इस आईपी पे, और यहां से ये फिर इस नेक्स्ट हॉप पे जाएगा और फिर फाइनली अपने डेस्टिनेशन को रीच करेगा। सो दैट्स हाउ इट्स वर्किंग, के आपकी नेक्स्ट हॉप वैल्यू डज गेट्स एडवर्टाइज। देन यू ऑल्सो सी वट इज द मैट्रिक। अ मैट्रिक अभी हमने उस पर बात नहीं की, एंड इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट वट इज बीजीपी मैट्रिक। वट इज द लोकल प्रेफरेंस फॉर दिस राउट, नथिंग, क्योंकि कुछ कन्फिगर नहीं है। वट इज द वेट फॉर दिस राउट, नथिंग, क्योंकि कुछ कन्फिगर नहीं है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पाथ। नाउ यू सीइंग पाथ 3 एंड आई, आई मीन इंटरनल राउट। तो क्योंकि मैंने कस्टमर ए से इस राउट को नेटवर्क कमांड के जरिए एडवर्टाइज किया, इसलिए आईएसपी 1 और आईएसपी 2 बोथ ऑफ देम विल हैव आई इन देयर पाथ, क्योंकि ये इंटरनल नेटवर्क से जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूट से करता देन यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आता कि भी मुझे नहीं पता नेटवर्क कहां से आया है, क्योंकि कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुई है कस्टमर के नेटवर्क पे। देन यू सी द एएस नंबर विच इज 3। 3 मींस कि किस एएस नंबर ने मुझे ये राउट बताया। तो अब क्या होगा इफ आई गो ऑन कस्टमर ए, आई डू दिस, I'll remove this network command router BGP 3 this, and I'll do redistribute connected, and now go back on ISP 2 do show IP route show IP BGP as I said BGP very slow protocol, so always wait, have patience। now अब आप देखें कि आपको वो I की जगह क्या नजर आ रहा है यहां पे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने वहां से नेटवर्क कस्टमर ए से रिडिस्ट्रीब्यूट किया। अब जब मैं ये नेटवर्क रिडिस्ट्रीब्यूट किया तो ये मुझे क्वेश्चन मार्क नजर आया। दूसरा मुझे नजर आया कि ये आ रहा है फ्रॉम एएस 3। अब एएस नंबर में क्या होता है, अब यहां पे तो हमारे पास एक ही राउटर है जो आईएसपी की तरफ राउट को लेके जा रहा है, बट व्हाट इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, you have customer A router
connected to appear as 1, connected to appear as 3, as 3 connected to appear as 5, as 5 connected to appear as 6. और यहां पे एक राउटर जो कुछ राउट्स को जनरेट कर रहा है, ये कुछ राउट्स को जनरेट कर रहा है, ये सेंड कर रहा है क्या 100.1.1.0, और लेट्स से ये सेंड कर रहा है 200.1.1.0। अब जब ये AS से गुजरेगा तो इस पे इस राउट के ऊपर स्टैंप लग जाएगी AS पाथ के ऊपर 1। जब ये दूसरे AS पे जाएगा तो एक तो इस पे स्टैंप लगी होगी 1 की, फिर इस पे लग जाएगी स्टैंप 3। सॉरी, ये अदर वे अराउंड, सो इफ आई डू इट 3, फिर जब ये यहां जाएगा इस पे स्टैंप लग जाएगी 5, फिर जब ये यहां जाएगा इस पे स्टैंप लग जाएगी 1, 3, 5, 6। सो आपका जो एथ पास होगा, पाथ होगा, वो है 6, 5, 3, 1, एंड देन यू विल हैव ईदर आई और यू विल हैव अ क्वेश्चन मार्क, डिपेंड ऑन कि आप किस तरह से नेटवर्क को जनरेट कर रहे हो। विच मीन्स कि इफ यू हैव एस पाथ लाइक दिस 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन मार्क एंड this is connected to a service provider, so you're saying कि यहां से एक नेटवर्क आ रहा है जो वी डोंट नो, लुक्स लाइक रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूट किस प्रोटोकॉल से हो रहा है नहीं पता हमें। वो आ रहा है AS 40 के ऊपर, AS 40 से गुजर कर वो जा रहा है AS 30 पे, AS 30 से गुजर के वो जा रहा है AS 20 पे, AS 20 से वो जा रहा है AS 10 पे, और AS 10 से फिर ये इस पर्टिकुलर AS के ऊपर आ रहा है। और इधर इन राउटर में से अगर आप किसी भी राउटर पे देखोगे शो आईपी बीजीपी, तो आपको इस सबनेट का जो एएस पाथ है जो आपको यहाँ पे पाथ के अंदर नजर आएगा, तो आपको पाथ के अंदर ये वैल्यू नजर आएगी 10, 20, 30, 40 एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका एएस पाथ बनेगा। एग्जैक्टली सेम वे we can also do show IP BGP 100.1.1.0, थोड़ा extended format में चीजें आपको वो वही बता रहा है, लेकिन ये बता रहा है आपको कि भाई अभी मैं ये जो learn कर रहा हूँ from next hop मेरा ISP 1 में, मैंने वो loopback से source नहीं किया, इसलिए मेरा जो next hop है वो मेरा connected interface है, इसलिए ये मेरा नेक्स्ट हॉप आ गया। मैं कहां से लर्न कर रहा हूं, इस आईपी से। ओरिजिन इनकम्प्लीट, इसका मतलब है ये क्वेश्चन मार्क कि कहां से आया है मुझे नहीं पता, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, इनकम्प्लीट है क्योंकि मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैट्रिक इज जीरो, जो आप यहां पे भी देख रहे हैं, मैट्रिक इज जीरो। लोकल प्रेफरेंस 100, लेकिन 100 वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट। जब भी आप 100 से ज्यादा कुछ या कम कुछ वैल्यू देंगे, देन यू विल सी द लोकल प्रेफरेंस हियर इन दिस कॉलम। 100 इज इट बाय डिफॉल्ट, हर एक राउट को 100 मिलती है। एंड देन यू सीइंग इट्स अ वैलिड राउट, इट्स अ एक्सटर्नल राउट एंड इट्स अ बेस्ट राउट एज वेल। तो आप दोनों कमांड से ये देख सकते हो, शो आईपी बीजीपी या शो आईपी बीजीपी एंड देन द प्रीफिक्स। अब ये जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट हॉप, हमने देखा कि नेक्स्ट हॉप में क्या हो रहा होता है कि डबल लुकअप हो रही होती है, तो राउट पहले तो प्रीफिक्स देखता है कि नेक्स्ट हॉप क्या है, फिर नेक्स्ट हॉप को कैसे रीच करना है वो भी देखता है राउटर। दिस इज कॉल्ड अ राउट रिकर्जन प्रोसेस। अब बीजीपी का पाथ वैलिड होने के लिए और सॉरी बेस्ट होने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो नेक्स्ट हॉप है वो वैलिड हो। वैलिड मीन्स कि एक्सेसिबल हो। कैन यू पिंग दिस नेक्स्ट हॉप? यस यू कैन। व्हाट इफ यू
can't ping this next hop. So let me do something like this on customer router. First of all, main redistribution ko khatam karta hu. Or you know what? I'll keep the redistribution on. There's a reason behind it. I'm gonna use something called prefix list now. Now prefix list kya karti hai? Prefix list आपके subnets को match करती है on a specific route. Access list ऐसा नहीं करती है. आपको access list पे source बताना पड़ता है, then a destination बताना पड़ता है, and then you have the full match. But prefix list में you can say match a particular route, not a source and destination, just a route and this subnet. So I can do something like this. IP prefix list. Prefix permit. मैं सिर्फ attributes चेंज करना चाह रहा हूं इस route के. तो I'll say permit 100.1.1.0/24. And yes, prefix list will let you do slash as well. अब यहां पे flexibility prefix list की, you will understand. के प्रीफिक्स लिस्ट कैन बी वेरी यूजफुल. व्हाट इफ यू हैव टू मैच दिस दीज सबनेट्स टेन डॉट वन डॉट जीरो डॉट जीरो स्लैश सिक्सटीन टू टेन डॉट वन डॉट जीरो डॉट जीरो सॉरी 10.1.10.0/24. So in access list, what you will have to say, match access list 10.1.0.0 and then wildcard mask 0.0.0.255. Then you'll have to say 10.1.1.0.0.0.0.255 and then you have to say 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you need in access list 10 statements to match all of the requirement. But in prefix list I can do IP prefix list and give it a name then permit or deny and then I can say 10.1.0.0/16 24. You know what? This would not be a correct example actually. The access list jo aapne match karni thi. So what if we have this range? 10.1.0.0/16 to 10.1.10.0/24. So access list में match करने के लिए आपको so many entries चाहिए to cover this whole thing. But it is not the case in prefix list. Prefix list में एक line आपका ये सारा काम कर सकती है. So I can say IP prefix list, name prefix, permit 10.1.0.0/16, LE 10.1.10.0/24. LE means
लेस देन एंड इक्वल टू. सो आई एम सेइंग मैच 10.1.1.0.0/16 टू 10.1.10.0/24 इससे कम या इसके बराबर स्लैश 24 के बराबर, उनको सबको परमिट करो एंड डिनाई एवरीथिंग एल्स. सो इफ वी हैव अ राउट 10.1.10.0/25 गेट्स डिनाइड, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू स्टेटमेंट है अगेंस्ट स्लैश 24. नाउ इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, we want to allow anything bigger than slash 24, we will say permit 10.1.0.0/16 greater than and equal to 10.1.10.0/24. now does this thing will match? Yes. Does this thing will match? No. So anything greater than and equal to 24 will match, but anything less than and equal to 24 will not match. Or agar aap use karein less than and equal to, which means anything less than and equal to will match, anything greater than that will not match. So I hope you get the concept of prefix list. So this is what I did. Kyunki maine a ki prefix match karna hai, I can also do that. And then I'll say route map prefix permit 10. Match IP address prefix list prefix set IP next hop to anything randomly. मैंने क्या किया कि जब customer A का ये router 100.1.1.0 के इस prefix को advertise करेगा, उसका जो next hop है उसको सेट कर देगा 5.5.5 पे rather than 3.3.3.3 पे. अब that's what I was talking about BGP flexibility. You can change anything related to route or prefix, any modification you can do. So अब मैं इसको apply करूंगा on the neighbor. So router BGP 3. Let's apply it only towards ISP2, not to ISP1. Neighbor 2.2.2.2 route map prefix and then outbound. When I'm sending the advertisement out, apply this prefix route map. And then I have to do one more thing, is clear IP BGP star out. Remember, BGP में जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज करते हैं, ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं, आपको routes नेबर की तरफ से इनबाउंड या आउटबाउंड या हार्ड क्लियर करना पड़ता है, अदरवाइज आपकी वो पॉलिसी इफेक्ट नहीं होगी. तो आई कैन ऑल्सो डू क्लियर IP BGP star, but that means कि मैं hard clear करूंगा neighbor. And अगर आप proper live environment में हो, that's not a good thing to do. What this will do कि इस जो भी advertisement आप outside अपने router से बाहर भेज रहे हो, just refresh them. Neighbor down करने की जरूरत नहीं, neighbor up करने की जरूरत नहीं है. Let the communication be as it is. But whenever all the advertisement जो आप बाहर भेज रहे हो,
आउटसाइड भेज रहे हो, जस्ट रिफ्रेश देम, लुक एट एनी न्यू पॉलिसी दैट्स बीन अप्लाइड। तो अब मैं क्लियर आईपीबीडीबी स्टार आउट करता हूं क्योंकि आउटबाउंड पॉलिसी लगी है। अगर इनबाउंड लगी होती तो मैं क्लियर आईपीबीडीबी स्टार इनबाउंड कर सकता हूं। नाउ गो टू ISP2। नाउ लेट्स लुक एट शो आईपीबीडीबी। व्हाट आर यू गेटिंग? 5.5.5.5. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? It is a valid route. It is not a best route. क्यों? क्योंकि route recursion नहीं हो रहा। I know how to get to 100.1.1.0, but I don't know how to get to 5.5.5. You do show IP route. Sorry, can't. I don't know. So, show IPBGP 100.1.1.0. Look at this. Next hop is inaccessible. Ab, look at the routing table. You don't have a route. As I told you before, until unless you have a valid and a best sign here, ये route routing table के अंदर नहीं जाएगा, and in turn ये router इस route की तरफ traffic को send नहीं कर सकता। Can't ping it. Let's look at ISP1. इसको सही मिल रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी नेक्स्ट हॉप वैल्यू वगैरह को कोई चेंज नहीं किया। तो आईपीबीजीपी सही है, इसके नेक्स्ट हॉप वैल्यू वैलिड है, बेस्ट है, सब कुछ ठीक है। व्हाट आई कैन डू इन ISP2 इज दिस राउट मैप। I need to put the prefix, so IP, I'll just copy it from the customer. Route map, prefix, permit 10, and yes, also one more thing. Why do you think we are only receiving one advertisement, only 100? क्योंकि मैं तो वहां redistribute connected कर रहा हूं, तो मुझे तो वो loopback IPB 3.3.3 भी मिलना चाहिए जैसा कि यहां पे मिल रहा है मुझे। Why am I not getting that? Because in a route map, in the customer side, what am I saying? Permit only this. उसके बाद कुछ भी permit नहीं है. That means it's an implicit deny. To allow all of them, what I need to say is route map permit 20. That's it. मुझे कुछ match set करने की जरूरत नहीं. बाकी सारे जो routes हैं वो इस permit statement से forward हो जाएंगे. And then I need to say clear IPBGP star out and then go on ISP2 and look at this now. Now you're getting the route. But look at the next hop value for other routes 3.3.3. क्योंकि मैं route map में सिर्फ इस particular route की next hop change कर रहा हूं, बाकी को तो कुछ नहीं कर रहा, वो तो as it is advertise हो रहे हैं। So here I'll say what I was doing is route map prefix permit 10, match IP address prefix list prefix, set IP next hop to 3.3.3.3,
ना I'll say clear IP BGP start inbound कि जब अपडेट्स इनबाउंड आ रही हैं रिफ्रेश दोस एंड नाउ लुक एट योर बीजीपी टेबल भैया मैंने नेबर पे तो राउट मैप अप्लाई नहीं किया डू यू शो रन सेक्शन राउटर BGP या हमने अप्लाइड इट येट सो राउटर BGP 2 नेबर 3.3.3.3 राउट मैप प्रीफिक्स इनबाउंड And now I'll do clear IPBGP star inbound. Now check this out. Yes, valid route, best route, because अब मैंने उसकी अंदर आते हुए advertisement, I've said, look at this prefix, जो भी उसका next stop है, delete करो उसे, give it this value. Let him come in क्योंकि इस next hop की route recursion मैं कर सकता हूं this is what I wanted to show you कि BGP is a very flexible protocol तो ये तो एक थोड़ा सा आपको next hop का और आपको दिखाया कि how does the route get from BGP table to routing table. Now if you see show IP route for 100, you'll see this. Next stop is 3.3.3.3. Then you'll have to say show IP route for 3.3.3.3. And this is where it sends the traffic. ये आपका BGP का नेक्स्ट हॉप को उसका प्रोसेस हो गया सो मोर ऑन नेक्स्ट हॉप लेटर ऑन इज गोना गेट कंफ्यूजिंग गाइस ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा BGP इज नॉट अ सिंपल प्रोटोकॉल इसीलिए जब हमने कहा था शुरू में कि व्हाई नॉट टू यूज BGP और उसमें एक बुलेट पॉइंट था इफ यू डोंट नो BGP डोंट यूज इट सो BGP इज कॉम्प्लेक्स एंड थिंक अबाउट इट I mean, this is only one route. You're dealing with more than 500,000 routes. 5 lakh se zyada aap routes ko deal kar rahe ho in a BGP. It's not a small domain. So, come back to our lecture. Wo to abhi start hi nahi hua. To, is lecture mein hum specifically discuss karenge BGP ka metric and guess what this is BGP's metric ab wo metric nahi raha ke ji cost hai aur wo jo EIGRP ka delay and bandwidth no nothing like that this is called the path selection best path selection or BGP selection process for best path this list राउटर हैज टू गो थ्रू इसको देखते हैं कि व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट वर्क नाउ अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे कि BGP बेस्ट पाथ सिलेक्ट कैसे करता है सो लेट्स से वी हैव अ नेटवर्क लाइक दिस Bring my whiteboard. And I'll say
हमारे पास ये एक राउटर है जो के फोर डिफरेंट प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, फोर डिफरेंट एएस नंबर्स, फोर डिफरेंट पीयर्स, एयर 01, 02, 03, 04. अब एक राउट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्रीफिक्स लेते हैं 100.1.1.1/32. ये प्रीफिक्स AS01 भी एडवर्टाइज कर रहा है, AS02 भी एडवर्टाइज कर रहा है, AS03 भी एडवर्टाइज कर रहा है और AS04 भी एडवर्टाइज कर रहा है. अब ये चारों के चारों प्रीफिक्स इस राउटर को, लेट्स कॉल इट CE1, कस्टमर एज राउटर 1, CE1 को ये चारों के चारों रिसीव हो रहे हैं ऑन द BGP. सो यहां पे आपका है EBGP, on all the four links. अब जब ये राउट इस राउटर तक पहुंचेंगे तो इस राउटर के BGP टेबल में hundred.1.1.1/32 तक जाने के लिए चार डिफरेंट पाथ्स होंगे. एक पाथ होगा थ्रू AS01, दूसरा पाथ होगा थ्रू AS02, तीसरा पाथ होगा थ्रू AS03 एंड चौथा पाथ होगा इसके पास, फोर्थ वन विल बी AS04. लेकिन इन सब में से सिर्फ एक राउट सेलेक्ट होगा और वो जाएगा राउटिंग टेबल में, और राउटिंग टेबल से फॉरवर्डिंग टेबल में इंफॉर्मेशन जाती है. अगर आपके पास राउटिंग टेबल में कोई राउट या कोई प्रीफिक्स नहीं है तो फॉरवर्डिंग टेबल में कुछ भी नहीं जाएगा. दैट मीन्स आपका राउटर जो है वो कोई ट्रैफिक उस पर्टिकुलर सबनेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, इवन दो आपको बीजीपी के टेबल के अंदर वो राउट्स रिसीव हो रहा है या नहीं. जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल में देखा कि हमारे पास बीजीपी टेबल के अंदर 100.1.1.0/24 रिसीव हो रहा था, लेकिन उस पे बेस्ट राउट का टैग नहीं लगा था. जब बेस्ट राउट का टैग नहीं लगा तो वो राउटिंग टेबल के अंदर नहीं गया, और राउटिंग टेबल में ना जाने की वजह से राउटर उस डेस्टिनेशन की तरफ सारी ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा. अब यहां पे ये प्रॉब्लम आती है, यहां पे आपको ये इमेजिन करना है कि दिस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन राउट, बट ऑन द इंटरनेट यू हैव 500,000+ राउट्स दैट आर कमिंग. एक्चुअली ये जो सीई है इसको सीई नहीं कहूंगा, ये कस्टमर डिवाइस नहीं हो सकती, क्योंकि कस्टमर डिवाइस में पांच जगह पे फुल इंटरनेट राउटिंग टेबल शेयर नहीं करेगा, उस बेचारे के पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं होगी. दिस इज लेट मी रिमूव दैट. So, ये कस्टमर डिवाइस को हम हटाते हैं
एंड विल से कि ये राउटर जो है ये एक्चुअली एक प्रोवाइडर का, एक सर्विस प्रोवाइडर का एज राउटर है. सो लेट्स सी, दिस इज AS05, उसका ये एक एज राउटर है जो चार डिफरेंट जगह पियर कर रहा है. नॉर्मली आपके पास सिर्फ एक राउटर नहीं होगा जो चार डिफरेंट जगह पियर करेगा, आपके पास दो या दो से ज्यादा फॉर रेजिलिएंसी आपके पास राउटर होंगे, ताकि अगर एक राउटर क्रैश कर दे तो ऐसा नहीं है कि आपके ऑटोनॉमस सिस्टम से गुजरने वाले सारे बंदे, जितनी भी ट्रैफिक है वो इंटरनेट की तरफ, वो सारी की सारी डाई हो जाए, बिकॉज दैट्स नॉट अ गुड डिजाइन. अब यहां पे इस पर्टिकुलर राउटर को ये डिसीजन करना है कि इन चार राउट्स में से किस राउट को मैं प्रेफर करूंगा. दैट्स द फर्स्ट थिंग. जब ये राउट इस, ये सारे चारों के चारों राउट्स इस तक पहुंचते हैं, उसने कहा कि ये प्रीफिक्स तो मुझे चार जगह से मिल रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा राउट, ये सारे, इन सारों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्टार नजर आएगा, स्टार सब पे लगा होगा, लेकिन जो बेस्ट राउट वाला साइन है, जो ये वाला सिंबल है, वो किसी ना किसी सिर्फ एक पर ही लगा होगा. और उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस जो है कि वो कौन सा राउट होगा जिसको बेस्ट राउट सिलेक्ट किया जाएगा, देयर इज अ क्राइटेरिया जो इसको मीट करना पड़ता. अब वो क्राइटेरिया क्या है, लेट्स से आप, हम अपनी स्लाइड पे आते हैं, बट स्लाइड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पे क्लियर कर लूं कुछ स्पेस, ताकि हम अपनी बात की जो चीजें हैं वो डिस्कस कर सकें. सबसे पहले है प्रेफर द पाथ विद हाईएस्ट वेट. ये जो एट्रीब्यूट है, और इवन बिफोर दैट, सिलेक्शन प्रोसेस में आने से पहले देर आर सम प्रीरेक्विजिट. प्रीरेक्विजिट मीन कुछ चीजें मीट करनी जरूरी होती हैं इवन टू बिगिन दिस सिलेक्शन प्रोसेस, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स आर वैलिड नेक्स्ट हॉप. कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट जो आपको बीजेपी से मिल रही है, उसके अंदर जो नेक्स्ट हॉप वैल्यू है वो वैलिड हो, एक्सेसिबल हो. जैसा कि हमने अपनी एक एग्जांपल में देखा कि वो जब हमने उसकी नेक्स्ट हॉप वैल्यू को चेंज कर दिया टू 5.5.5.5, तो उसके पास हमने जब शो आईपी बीजेपी और उस प्रीफिक्स को देखा, एंड वी वर सीइंग के आपकी नेक्स्ट हॉप वैल्यू के सामने लिखा हुआ था इनएक्सेसिबल. सो ऐसा अगर कोई केस हुआ जिसमें आपकी नेक्स्ट हॉप इज इनएक्सेसिबल, बीजेपी का ये सिलेक्शन प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी विल कंसिडर दैट राउट के नहीं भी, यू आर नॉट इवन वैलिड एट ऑल, मैं सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं शुरू करूंगा तुम्हारे से, तुम्हारे ऊपर मैं तो ये देखूंगा भी नहीं कि भाई कौन सा पाथ वैलिड है या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा नेक्स्ट हॉप, आई डोंट नो हाउ टू गेट टू योर नेक्स्ट हॉप एज ऑफ येट. तो पहले आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल गो थ्रू दिस बीजेपी सिलेक्शन प्रोसेस. अब बीजेपी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे टॉप पर है प्रेफर द पाथ विद हाईएस्ट वेट. वेट इज समथिंग दैट सिस्को प्रोप्राइटरी, एंड सिस्को ने उसे सबसे टॉप पर रखा है. सिस्को की ऑन जो डिवाइसेज है, सिर्फ उन्हीं पे आप ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट रन कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं. बाकी वेंडर्स के अपने हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्को, सो लेट्स जस्ट फोकस सिस्को एट द मोमेंट. दूसरी चीज जो इस एट्रीब्यूट के लिए इंपॉर्टेंट है इज इट्स लोकली सिग्निफिकेंट. लोकली सिग्निफिकेंट मीन आई कैन से, अगर आपके पास ये एक राउटर है जो दो आईएसपी से कनेक्टेड है, लेट्स से ये सीई है, कस्टमर एज राउटर है,
कस्टमर का राउटर है, नॉट अ प्रोवाइडर राउटर। प्रोवाइडर राउटर पे भी कर सकते हैं, बट इस एग्जाम्पल में कस्टमर का राउटर है। अगर आपने ये कहना हो सी को कि भाई इस पाथ को प्रेफर करो ओवर दिस पाथ, सो व्हाट आई विल से कि मैं इस पाथ को, इस नेबर को वेट दूंगा, एक वेट वैल्यू दूंगा, लेट्स से आई विल गिव 100, इसको हायर वैल्यू दूंगा और इसको मैं लोअर वैल्यू दे दूंगा, इसको मैं दे दूंगा 50। सो दैट्स हाउ ये वाला जो पाथ है आईएसपी की तरफ वो प्रेफर्ड हो जाएगा, और ये पाथ जो है वो सेकंड बेस्ट प्रेफर्ड राउट हो जाएगा। सो दैट्स द वेट। क्विकली अगर इसे हम देखें अपने एग्जाम्पल के अंदर, लेट्स से हमारी एग्जाम्पल में कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये एक सीई है, वेल एग्जैक्टली सेम ही एग्जाम्पल है हमारे पास, और सीई यहां पे दो प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। तो पहले तो हम ये कर रहे थे कि हम यहां से 100.1.1.0/24 को ओरिजिनेट कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, मैं यहां इस प्रोवाइडर से एक एडवर्टाइजमेंट सेंड करूंगा टुवर्ड्स दिस सीई, ठीक है, विच कैन बी एनीथिंग, लेट्स से 200.1.1.0/24, एंड फ्रॉम हेयर एज वेल मैं सेम एडवर्टाइजमेंट सेंड करूंगा। तो ये दोनों एडवर्टाइजमेंट जब सीई तक जाएंगी तो वी विल सी कि कैसे ये सीई जो है वो एक बेस्ट पाथ चूज करता है, और फिर हम वेट को यूज करके देखेंगे कि हम एक को प्रेफर करें और दूसरे को सेकंड बेस्ट प्रेफर्ड राउट है। तो लेट्स जस्ट डू दैट के आई विल ब्रिंग माय टर्मिनल एंड लेट्स कॉन्फ़िगर लूपबैक। सो इफ आई से इंटरफेस लूपबैक 200 and IP address 200.1.1.0 and router BGP 1 and network 200.1.1.0 mask, exact mask जो routing table में है वो आपको यहां एंटर करना है, और इसी तरह एग्जैक्टली सेम थिंग यहां भी इंटरफेस लूपबैक 200 आईपी एड्रेस 200.1.1.2 एंड राउटर बीजीपी। अब यहां पे मैं डिफरेंट आईपी एड्रेस दे रहा हूं, बस हमें ये देखना है कि जो एक्चुअल /24 एडवर्टाइजमेंट है वो कहां से प्रेफर्ड हो रही है। रीचेबिलिटी इज नॉट द क्वेश्चन हियर एट द मोमेंट। या तो राउटर बीजीपी टू नेटवर्क 200.1.1.2 जीरो एंड मास्क होगा हमारे पास ये। अब हम कस्टमर के पास जाके देखते हैं शो आईपी बीजीपी एंड वी आर लर्निंग दिस 200 फ्रॉम टू प्लेसेस। ये देखें अब दो प्लेसेस से रन कर रहा है, लेकिन उसने ये इस राउट को जो AS1 से ISP1 से आ रहा है उसको बेस्ट चूज किया है। अगर आप राउटिंग टेबल देखें शो आईपी राउट फॉर 200.1.1.0 तो ये वाला जो राउट है वो राउटिंग टेबल के अंदर गया, ये वाला राउट राउटिंग टेबल में नहीं गया, बट हम चाहते हैं कि हम इसको प्रेफर करें ओवर दिस, हम इसको ऑपोजिट करना चाह रहे हैं। सो वी कैन से देयर आर टू वेज वी कैन डू दैट एंड आई एम गोना शो यू ओनली वन वे हियर व्हिच इज द इजीएस्ट वे। मैं ये कर सकता हूं कि राउटर बीजीपी 3 एंड आई विल से नेबर 2.2.2.2 वेट एंड आई विल गिव इट
anything something like let's say anything bigger than zero really, because इस वक्त आपका जो weight है इसके इस particular prefix के लिए वो क्या है, zero on both of them. So you अगर मैं इसको high करना चाह रहा हूं तो इसको मैं कोई भी value दे दू वो इससे ज्यादा higher हो जाएगा. So I'll say this is 200. And again I have to do show IP BGP. आप देखें कि वो आपने ये जो यहां पे वेट चेंज किया वो अभी तक इफेक्ट नहीं हुआ. यू विल हैव टू डू क्लियर आई पी बीजीपी स्टार आउट एंड आई विल ऑल्सो डू इन एज वेल एंड लेट्स लुक एट शो आई पी बीजीपी अगेन. अब देखें कि क्या है, कौन सा प्रेफर्ड है, आपका बेस्ट राउट कौन सा है टूवर्ड्स एस टू. और ये देखें वेट आपके पास 200 आ रहा है, ये उसका एस पाथ है. ये वाले जो वेट वैल्यू है ये लोकली ओरिजिनेटेड राउट्स की है. ये सारे राउट मेरे इस कस्टमर ए के राउट्स है जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, लेकिन बीजीपी टेबल के अंदर वो होंगे. इसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है बिकॉज ये लोकली ओरिजिनेटेड है, मैं कहीं और से उसको प्रेफर नहीं करूंगा. तो अब अगर मैं शो आईपी राउट देखता हूं 200.1.1.0, सो लुक एट दिस, व्हाट वाज इट बिफोर, ये पाथ जो है वो प्रेफर कर रहा था, अब जो है वो ये पाथ प्रेफर कर रहा है. एंड इफ आई सी शो आईपी बीजीपी 200.1.1.0, look at it here, I'm learning it from two places. It's saying two available paths, best is number one, this is number one, this is number two. Number one, why is the best? First value weight. तो सबसे पहले weight देखेगा, जिस भी route का weight ज्यादा है उस route को prefer करेगा उस destination की तरफ. And this is being selected as best route. But the only problem is ke weight is locally significant. Sirf ye router, jis router pe aap weight configure karte ho na, usi router ko pata hai ke main ye is link ko maine 100 diya hua hai, isko maine 0 diya hua hai ya 10 diya hua hai, to main ye wala path lunga. It doesn't affect एनी अदर राउटर. आई मीन जब ये ट्रैफिक इधर जाएगी तो इस राउटर को नहीं पता कि इस राउटर पे कौन सा वेट कंफिगर्ड है, और ना ये राउटर इस राउटर को बताएगा कि भाई ये वेट जो है वो कंफिगर्ड है. दैट्स व्हाई अगर मैं ISP let's say 1 में जाता हूं, do show IP BGP, sorry not do, I'll remove do, show IP BGP 200.1.1.0, weight is way higher, locally significant है क्योंकि ये locally generated route है, इसलिए उसने सबसे ज्यादा weight select किया हुआ. लेकिन weight transitive नहीं होता, मैं advertise नहीं करता weight अपनी BGP advertisement में कोई भी राउटर. तो एक पर्टिकुलर राउटर के लिए अगर आपने डिसीजन एक राउटर ने बनाना है कि मैंने ट्रैफिक किस तरफ सेंड करनी है, तो आप सिंपल वेट उसे हायर दे सकते हो एंड देन अदर पाथ को आप लोअर वेट दे सकते हो एंड इट विल वर्क. लेकिन याद रहे कि बाकी जितने राउटर हैं वो अपना अपना डिसीजन अपने दूसरे एट्रीब्यूट्स पे करेंगे. वेट इस राउटर की वेट की कॉन्फ़िगरेशन पे ये राउटर इफेक्ट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट्स लोकली सिग्निफिकेंट. सेकंड, लेट्स से वेट इज जीरो, मैंने कोई वेट कॉन्फ़िगर नहीं किया, सो वेट इज इक्वल टू जीरो. सो ये राउटर पीरिंग राउटर है एंड इट्स कनेक्टेड ऑन टू एएसएस, AS01, AS02, दोनों की तरफ से इसको राउट्स मिल रहे हैं, और दोनों की तरफ से जो राउट्स मिल रहे हैं उन सब पे जो वेट है वो जीरो है. या हमारे इस केस में
जो हमने ये डायग्राम बनाई थी, इस केस में इसको ये जो वेट इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए इसको वेट की जो वैल्यू मिल रही है इनको, वो आल से वेट इज इक्वल टू जीरो। AS1 से भी जीरो मिल रही है, AS2 से भी जीरो, थ्री फोर सबसे जीरो मिल रही है। तो वेट वो लोकली सिग्निफिकेंट है, अगर आपने सेट नहीं किया हुआ तो इज जीरो। देन सेकंड वो जंप करेगा ऑन द सेकंड एट्रीब्यूट कॉल्ड लोकल प्रेफरेंस। सो पाथ प्रेफर द पाथ विद द हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस। अब लोकल प्रेफरेंस में क्या होता है, अगेन आई टेक एन एग्जांपल हियर। और यू नो व्हाट, आई विल से इट डिफरेंटली, वी पुट इट हियर। इफ वी हैव अ प्रोवाइडर क्लाउड, लेट्स से हियर वी हैव दीज पीयरिंग राउटर्स जो आगे डिफरेंट AS नंबर्स के साथ पीयर कर रहे हैं। ये अपने राउट्स क्लाउड्स के अंदर इन दूसरे राउटर्स को भेजेंगे। जब ये राउट्स इसको मिलेंगे तीन जगह से, इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन सा रास्ता लेना है। तीनों के लिए वेट जीरो है। देन व्हाट आई कैन से समथिंग लाइक दिस, कि जब ये राउट मेरे ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आए, ये सारे राउट्स, लेट्स से जो भी राउट्स AS01 से आ रहे हैं, जब वो मेरे ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर एंटर हो, उनको लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू असाइन कर दी जाए 110 की। बाय डिफॉल्ट इज 100, सो यू हैव टू गिव इट हायर देन 100, तो उनको आप असाइन कर दो 100। जब यहां से प्रोवाइडर से एंटर हो, राउट मैप आप लगा सकते हैं, तो जब यहां से एंटर हो यू गिव इट लोकल प्रेफरेंस 90, और जब यहां से एंटर हो यू गिव इट लोकल प्रेफरेंस 80। दैट मींस अब क्या होगा, लोकल प्रेफरेंस इज लोकल टू ऑटोनोमस सिस्टम, के पूरे ऑटोनोमस सिस्टम में BGP की एडवर्टाइजमेंट के अंदर लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू एडवर्टाइज होती है, लेकिन सिर्फ एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही होती है। एक ऑटोनोमस सिस्टम AS01 दूसरे AS को नहीं बताएगा कि भाई मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स की लोकल प्रेफरेंस वैल्यू क्या थी। वो स्ट्रिप हो जाती है, वो उसको डिलीट कर दी जाती है, और जब दूसरे AS पे आपकी जो एडवर्टाइजमेंट जाती है तो डिपेंड करता है कि क्या वो कोई नई लोकल प्रेफरेंस वैल्यू लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो इस तरह से आपके जितने भी राउटर्स हैं आपके प्रोवाइडर क्लाउड के अंदर, उन सब तक ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये तीनों वैल्यू पहुंचती हैं उन तक। और जब ये वैल्यूज उन तक पहुंचेंगी, उनको डिसीजन करना पड़ेगा टुवर्ड्स लोकल प्रेफरेंस, क्योंकि वेट इज जीरो, तो वो फिर डिसाइड करेंगे कि हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस विल बी द बेस्ट राउट। तो उस राउट से मैं एग्जिट करूंगा जहां से हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस असाइन हो रही है। तो अगर मैंने एक प्रीफिक्स की तरफ जाना है, तो मैं लेट्स से इस राउटर से जा रहा हूं, तो आई विल गो हेयर एंड देन एग्जिट आउट दिस वे। मैं इस रास्ते को और इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर किसी वजह से ये रास्ता जो है वो डिनाई हो जाता है, या आपकी केबल लेयर वन में प्रॉब्लम, BGP डाउन हो जाता है, देन आपके पास ये दो रास्ते अवेलेबल हैं, फिर आप लोकल प्रेफरेंस 90 को प्रेफर करोगे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, कि आपकी हाईएस्ट लोकल प्रेफरेंस इज ऑलवेज प्रेफर्ड। लेट्स से आपने लोकल प्रेफरेंस भी सेट नहीं की, सो इट विल बी 100 बाय डिफॉल्ट
ऑन ऑल द प्रीफिक्सेस, तो आपका वेट जो है वो जीरो हो गया, आपने सेट नहीं किया राउटर्स पे, लोकल प्रेफरेंस भी सेट नहीं की, तो इस बाय डिफॉल्ट 100 जो कि सारे राउट्स पर है, तो कोई भी राउट प्रेफर नहीं है, कोई भी राउट जो है उसको आप कम इग्नोर नहीं कर रहे, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सेम. देन यू गो टू थर्ड थिंग विच इज प्रेफर द पाथ दैट वॉज लोकली ओरिजिनेटेड, विच मीन्स कि अगर मैं एक राउट खुद जनरेट कर रहा हूं एज ए एस, तो आई विल प्रेफर दैट पाथ. और वो पाथ आपको कैसे पता चलेगा, ए एस पाथ से. अगर मेरे ए एस में मेरा ए एस जो है वो है 100 और मेरे ए एस पाथ में अगर मैं देख रहा हूं कि मैं खुद ये जनरेट कर रहा हूं राउट्स, तो दैट्स इट, वो तो सिंपल है, मैं तो बाहर जाऊंगा ही नहीं. बट लेट्स से मैं वो जनरेट नहीं कर रहा, लोकली जनरेटेड नहीं है वो राउट. सो यहां पे आ गया नॉट लोकली जनरेटेड. देन यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज, प्रेफर द पाथ विद लोएस्ट ए एस पाथ. अब इसको समझने की जरूरत है. लेट्स से यू हैव अ पाथ हियर, पाथ फॉर प्रीफिक्स 200.1.1.0/24. और जब आप शो आईपी बीजीपी करते हैं तो आपको वो मैंने दिखाया था कि ए एस पाथ एक आखिरी कॉलम है जिसमें ए एस नंबर लिखे रहते हैं, जिस भी ए एस से वो ट्रैफिक वो एडवर्टाइजमेंट ट्रेवल करती है उसका टैग लग जाता है उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर. तो इस राउटर के ऊपर 4 डिफरेंट प्लेसेस से पाथ मिल रहे हैं. एक जगह इसको एस पाथ मिल रहा है 100, 200, 300. दूसरे तरफ से इसको पाथ मिल रहा है 100, 700. तीसरी तरफ से इसको पाथ मिल रहा है 100, 30, 20, 40, 60. एंड फोर्थ इसको मिल रहा है 100, 40, 30, 200, 700. ये AS नंबर्स हैं. अब इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये वाला. तो दैट विल ब्रेक द टाई, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल ब्रेक द टाई. कि अगर आपका वेट जीरो है, लोकल प्रेफरेंस सेट नहीं किया, लोकली ओरिजिनेटेड राउट नहीं है, देन यू कम टू कि मेरा जो प्रीफिक्स है उसका उसकी ए एस पाथ लेंथ कितनी है, यानी कि कितने हॉप्स दूर है. बट इस केस में हॉप्स इज नॉट इक्वल टू राउटर्स, इज इक्वल टू ए एस पाथ. सो दिस, ये एक क्लाउड एक ए एस है, दूसरा क्लाउड दूसरा ए एस है, तीसरा क्लाउड तीसरा ए एस है. सो कितने ए एस नंबर्स, कितने हॉप्स आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है. तो इस केस में 1 हॉप एंड 2 हॉप, इस केस में 1 हॉप, 2 हॉप, 3 हॉप, इस केस में 1, 2, 3, 4, 5 हॉप्स, इस केस में 1, 2, 3, 4, 5 हॉप्स. तो सबसे मिनिमम हमारे पास ये है. ये सारे के सारे राउट्स वैलिड राउट्स है, लेकिन ये राउट जो है ये बेस्ट राउट सिलेक्ट होगा, वैलिड एंड बेस्ट राउट, और ये जो है राउटिंग टेबल के अंदर जाएगा बिकॉज इट हैज अ लोएस्ट पाथ ए एस पाथ वैल्यू. आई होप यू गेट दैट आइडिया के यू हैव अ राउटर विच इज कनेक्टेड टू द पियर्स, विच इज कनेक्टेड टू द पियर्स, कनेक्टेड टू द पियर्स. यहां पे आपकी डेस्टिनेशन, फिर ये आपकी डेस्टिनेशन, यहां पे दिस राउटर इज कनेक्टेड टू द पियर, इज कनेक्टेड टू अनदर पियर, इज कनेक्टेड टू अनदर पियर, इज कनेक्टेड टू अनदर ए एस, इज कनेक्टेड टू अनदर ए एस, and then you have a destination here, and both are probably same, most likely same AS. Like this would be AS10 and this probably would be AS10, lekin inka jo path hai wo different ho sakta hai. But is case mein router ye wala path as a best path choose karega,
बिकॉज ऑफ लेस हॉप काउंट्स एंड दीज आर फुल AS, पूरे पूरे क्लाउड्स हैं ये, इट्स नॉट नंबर ऑफ राउटर्स. नंबर ऑफ राउटर्स कैन बी हंड्रेड्स, लेकिन एक AS के अंदर जितने भी राउटर्स हैं वो आप एक डोमेन कंसिडर कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट, एक उसका एक ही हॉप कंसिडर कर रहे हैं आप. बट लेट्स से हमारे पास जो प्रीफिक्स आ रहा है चार जगह से आ रहा है और वो चारों जगह पे सेम AS लेंथ है, कोई एक भी जो है वो डिफरेंट नहीं, तो वेट इज इक्वल टू जीरो, लोकल प्रेफरेंस नॉट सेट, नॉट लोकली ओरिजिनेटेड, AS पाथ सेम, देन इट विल गो डाउन, प्रेफर द पाथ विद लोएस्ट ओरिजिन टाइप, प्रेफर द पाथ विद लोएस्ट ओरिजिन मीन कि क्या ये इंटरनल इंटरनली सिलेक्टेड राउट है, एक्सटर्नल राउट है, या क्वेश्चन मार्क रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ हो. लेट्स से ना ये एक्सटर्नल है ना ये इंटरनल है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ हो. प्रेफर द पाथ विद लोएस्ट मेड, अब मेड यहां पे आएगा जो हम यहां पे ये एक वैल्यू हमने देखी थी शो आईपी बीजीपी, ये दिस इज व्हाट द मेड इज. तो ये मैट्रिक समटाइम जो नए लोग हैं आप में से काफी जो जिनके लिए बीजीपी बहुत नया है, समटाइम पीपल कंफ्यूज मैट्रिक एज अ बीजीपी मैट्रिक, नहीं ये मैट्रिक इज एक्चुअली अ मेड विच इन फुल फॉर्म इज मल्टी एग्जिट डिनोमिनेटर आई बिलीव. लेट मी क्विकली चेक दैट एक्चुअली. मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर इट इज. तो जिस तरह आप लोकल प्रेफरेंस की वैल्यू सेट करते हैं इसी तरह मल्टी एग्जिट डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सेट करते हैं, बट मल्टी एग्जिट डिनोमिनेटर ऑल्सो डिपेंड ऑन योर IGP मेट्रिक एंड लेट्स नॉट गेट इन टू ऑल दोज डिटेल ऑल दोज टेक्निकलिटीज. आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल. CCNP के अंदर what you need to know is up to here, up to your AS path, because 90% of the time AS path जो है वो आपका tie breaker होगा. बहुत कम chances होते हैं कि you'll actually go down, but you can go through this list and then you will reach here at number 10. It says when both paths are external, प्रेफर द पाथ दैट वॉज रिसीव्ड फर्स्ट. अगर दो आपके पास रस्ते हैं, अगर आपके पास ये हमारे पास जैसे हमारी एग्जाम्पल में दे आर फोर पी रिंग्स, सारे के सारे एक्सटर्नल है और ये भी आपके पास सेम है, ये भी सेम है, लोकली ओरिजिनेटेड भी नहीं है, AS पाथ भी सेम है, ओरिजिन टाइप भी आपकी रिडिस्ट्रीब्यूट है, अननोन है, मेड आपका सेट नहीं है, प्रेफर EBGP ओवर IBGP वो भी आपका सेट नहीं है, आपका प्रेफर जो है द पाथ विद लोएस्ट IGP मेट्रिक आपने सेट नहीं किया हुआ, डिटरमिन मल्टीपल कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो देन यू विल कम टू दिस. दीज आर टाई ब्रेकर रूल्स, यानी कि इन रूल्स पे आके टाई ब्रेक होगी ही होगी, या एक ना एक पाथ तो ऐसा होगा जो ओल्डेस्ट होगा, शायद यहां से पाथ जो है वो पहले लर्न हुआ हो देन ऑल अदर थ्री राउट्स. बट अगर ऐसा हो कि बिल्कुल टू द मिली सेकेंड एग्जैक्ट सेम टाइम पे चारों रस्तों से आपको एग्जैक्टली सेम टाइम पे आपको ये प्रीफिक्स मिल रहा है, then you will go to the next one which is prefer the route that comes from BGP router with the lowest router ID. अब आप prefer करोगे कि उन routers को जिनकी router ID lowest हो. So one of these router that has a lowest router ID, you'll prefer that. But what if कि आपके ये सारे के सारे ये जो routers हैं इनकी router ID same ही हो, तब क्या होगा? Then you go
कि इफ द ओरिजिनेटर और द राउटर आईडी इज द सेम फॉर मल्टीपल पाथ्स प्रेफर द पाथ विद द मिनिमम क्लस्टर लिस्ट लेंथ फॉरगेट अबाउट इट ये क्लस्टर लेंथ लेंथ आई वोंट गेट इनटू दैट कॉन्फेडरेशन साइड सो डोंट वरी अबाउट इट देन यू गेट टू द लास्ट वन प्रेफर द पाथ दैट कम्स फ्रॉम द लोएस्ट नेबर एड्रेस अब आपके जो बीजेपी नेबर्स हैं वो आईपी एड्रेसेस तो सेम नहीं हो सकते किसी भी सूरत में बिकॉज अगर वो आईपी एड्रेस सेम होंगे तो आपका नेबर अप नहीं होगा तो बीजेपी सिलेक्शन प्रोसेस कहती है कि गो थ्रू ऑल ऑफ देम अगर सारे ही सेम है तो जस्ट सिलेक्ट कि किस नेबर का आईपी एड्रेस सबसे कम है सबसे लोएस्ट है एंड जस्ट सिलेक्ट दैट वन इन चार आईपी एड्रेस में से एक तो ऐसा होगा जो लोएस्ट होगा सेम नहीं हो सकते तो उस लोएस्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और उसको आप अपने रिब के अंदर राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस के अंदर राउटिंग टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे और उसको आप एज अ बेस्ट राउट सिलेक्ट करेंगे बट एज आई सेड के मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम यू विल स्टॉप हियर या तो आप वेट सिलेक्ट करेंगे वेट सेलेक्ट करना इज नॉट रियली अ गुड डिजाइन आई वोंट गेट टू इन डिटेल ऑन दैट बट आपके लिए सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि या तो आप वेट सेलेक्ट करेंगे या मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोकल प्रेफरेंस हर ऑटोनोमस सिस्टम यूज करता है लोकल प्रेफरेंस वेट क्यों नहीं यूज की जाती क्योंकि वेट जो है वो लोकली सिग्निफिकेंट है ओनली ऑन द राउटर लोकल प्रेफरेंस आप एक जगह सेट कर दो पूरा ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर There are thousands of routers, वो सारों को वो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और वो वही राउट प्रेफर करेंगे जो हाइएस्ट लोकल प्रेफरेंस का होगा एंड देन अगर इफ इट हैपन्स कि आपने ये दोनों सेट नहीं किए देन एज ए सेड 90% यू विल ब्रेक द टाई हेयर क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास चार डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल हों और वो चारों के हॉप काउंट्स जो एस पाथ लेंथ है वो चारों की तरफ से सेम आ रही हो वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल आई वोंट से इम्पॉसिबल लेकिन क्लोज टू दैट सो दैट्स इट ये था जी हमारा बीजेपी का मैट्रिक एंड एज आई सेड इट्स कॉम्प्लेक्स बीजेपी मैट्रिक इज नॉट सिंपल काफी कॉम्प्लेक्स है हम इस एक एक मैट्रिक पॉइंट के ऊपर एक एक लेक्चर कर सकते हैं लिटरली इज दैट मच कॉम्प्लेक्सिटी इन Is it in there? So I hope ke it would have made more sense ke BGP ki path selection kaise hoti hai aur BGP jo hai wo kaise dekhta hai ke you know which is my best path agar mujhe multiple paths receive ho rahe hain. So that's it. Lab which is same jo humne bits and pieces already maine aapko dikhaya hai humne weight ke kuch pieces dekhe. एंड वील डू फुल फ्लेज लैब इन दी एंड और उसमें हम वेट और लोकल प्रेफरेंस और एएस पाथ को हम तीनों को ट्वीक करके देखेंगे कि हाउ डज इट अफेक्ट सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच आई रियली होप कि आपकी हालत कुछ इस तरह नहीं है इस वक्त कि बिल्कुल टोटली कन्फ्यूज है अगर टोटली कन्फ्यूज है आई नो इट्स अ लॉन्ग लेक्चर वॉच इट अगेन एंड इसमें आप थोड़ा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको लैब्स खुद करनी पड़ेंगी सो गिव इट अ गो अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली usman@urduitacademy.com के ऊपर या आप फेसबुक के ऊपर हमें हमारे कमेंट्स कर सकते हैं एंड गिव अस अ फीडबैक आपके फीडबैक ही हमें बताते हैं कि हमारे लेक्चर्स की क्वालिटी कैसी है आप तक सही डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही सो गिव अस दैट फीडबैक And thank you very much for listening to me. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़